मतलब डरे नहीं, कैच भी गिरे। देखिए शुरू में भी बाबर का कैच गिरा स्लिप में, पहले ओवर भी हैंड गिरा, मगर हमने उसको छोड़ा नहीं। उसकी रीज़न ये थी कि विकेट हमारे मतलब की थी, हम खेले तेज़। जब आप पॉजिटिव खेलते हैं ना तो फिर चीज़ें आपके हक में ज़रूर जाती हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये फाइनल भी जीतेगा। अच्छा, क्योंकि और रिपीट मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड उधर से फाइनल में आएगी जैसे 92 में हुआ था। नहीं, तो वो सेमीफाइनल एडिलेड में हुआ था। नहीं, उस वो हुआ था न्यूजीलैंड में। तो ये भी न्यूजीलैंड जैसी विकेट थी ना। yeah. और मेलबर्न में ही फाइनल हुआ था पाकिस्तान का। yes. और इंग्लैंड थी। yeah. तो ये देखें चीजें हमारी फेवर में तो जा रही है। अगर पाकिस्तान इंडिया आए तो ज्यादा मजा नहीं। हाँ नहीं, नो डाउट। लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे टीम पाकिस्तान फाइनल में जिससे भी खेले, जिससे भी खेले, इंडिया पाकिस्तान का एक मजा अलग हो जाएगा, मजा ही और। देखिए हमने पहले भी एक बात की थी कि टीमें फाइनल में कौन पहुंचती हैं। सा क्लिप देखा, भारत बहुत आसानी से कल सेमीफाइनल जीत पाएगा। जैसे आज पाकिस्तान जीता ये तो पता नहीं है, बट पाकिस्तान ने आज बहुत अच्छा खेला और वन साइडेड बिल्कुल मैच था। स्टार्टिंग से पहली इनिंग देखें से और दूसरी इनिंग देखें बिल्कुल न्यूजीलैंड कहीं पे भी डोमिनेट करता हुआ नहीं दिखा। बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान ने ऑब्वियसली। और पाकिस्तान, मैंने बोला था कि ये टूर्नामेंट की ऐसी टीम है जो किसी को भी हरा सकती है, जब ये सेमीफाइनल पहुंची थी। अब कल पता चलेगा इंडिया इंग्लैंड में कौन पहुंच रहा है सेमीफाइनल। उम्मीद करते हैं भारत पहुंचे। आपको एक खुशखबरी दे दूं कि जो इंग्लैंड के सबसे तेज बॉलर है वर्ल्ड कप के मार्क वुड, वो शायद कल ना खेले, उनकी जगह जॉर्डन खेल सकते हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के लास्ट। विकेट ना गिरे और यू आर ऑन 80 ऑड रन्स, तो इट मींस के 70% यू आर 80% यू आर विनिंग द गेम। और माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो सबको। इसी तरह फाइनल है, अब इंशाल्लाह वेट एंड सी और इंशाल्लाह इस ट्रॉफी को जीतना। आमीन। सबको देखे मुबारक। और हमने सुबह शो में भी यही कहा था कि जो सिडनी की कंडीशन है वो पाकिस्तान टीम को सबसे ज्यादा सूट करती है। और अगर आप जो आपने देखा आज तो सिडनी की विकेट, मुझे तो सिडनी की विकेट वो नहीं लग रही थी, वो दुबई की विकेट लग रही थी जो परफेक्ट पाकिस्तान को सूट करती है। आज देखें रिजवान की ये जो शॉट्स लग रही थी, पूरे टूर्नामेंट में नहीं लग रही थी, आज लग रही थी क्योंकि ये विकेट उसको सूट करता है इस तरह। और मैंने आपको कहा था जब टॉस के बाद कि अगर पाकिस्तान 150 तक न्यूजीलैंड को रोकता है तो बाबर का और रिजवान का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि 150 पे आपको अगर ऊपर से एक पार्टनरशिप मिलती है 150 हो जाता, और एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। लेकिन जो न्यूजीलैंड है मुझे लगा ज्यादा प्रेशर में खेला, वो उनकी फील्डिंग देख लें, उनकी बैटिंग में मिस्टेक्स देख लें, मतलब वो उनकी बॉलिंग इवन सऊदी और बोल्ड बहुत कम देखने में मिलता है कि वो ऑफलाइन होते हैं। उन्होंने पहले ओवर से इधर भी चौके खाए हैं, इधर भी चौके खाए हैं। और मैंने जैसे सुबह भी बोला था, आज जो टीम प्रेशर को अच्छा हैंडल करेगी, आप हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज देखे फील्डिंग में, मतलब ऐसा लग रहा था आज न्यूजीलैंड की फील्डिंग हम फील्डिंग कर रहे हैं और वो पाकिस्तान वाली फील्डिंग कर रहे हैं, आज ऐसे लग रहा चेंज हो गया। यस, वो ओवरऑल जो है ना पाकिस्तान ने ज्यादा अच्छा हैंडल किया प्रेशर का। और यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा शहीन को, पहला ओवर पहला बॉल उसने किया चौका लगा और ऐसा लगा था कि भाई अब ये शायद आगे ना करे, लेकिन ऐसा बॉलर उसने अपने आप को बैक किया, उसने अगले दोनों के तीनों बॉल डायरेक्ट वहां पे किए। तो पाकिस्तान की बॉल वन से जो बॉडी लैंग्वेज थी ना वो पॉजिटिव थी, और जिसका क्रेडिट आज पाकिस्तान को मिला भी बहुत क्लियर इंटेंट के साथ। अच्छा आप मुंह मीठा कर रहे हैं यार, आप सब छोड़ें, आप मुझसे बोले थे चॉकलेट खिलाएं, इतने दिनों से छुपा के रखी थी। नहीं नहीं, ये मखसूस कोटे पे आती है सिर्फ पाकिस्तान के मैच पे, मुझे अखबार में लपेट देना। नहीं, आपके सामने प्लास्टिक के रैपर में लिपटी हुई रखी है अखबार। अखबार नहीं, ये मीठा है। मैं सबसे पहले लोगों को कंफर्म कर दूं, मैंने जिसको फोन करके बताया था ना आमिर का, उसने गलत न्यूज फैला दी। आमिर चॉकलेट खा रहे हैं, आमिर चॉकलेट खाया, आमिर ने सर्फ नहीं, नहीं मैं चॉकलेट नहीं खाता भाई, लेकिन ये मजे किया इसलिए थोड़ा चॉकलेट। चले चख लीजिएगा, पाकिस्तान जीता है मतलब मिरेकल्स, मतलब सोचा भी नहीं था कि इस तरह से। और फिर आप तो बार बार ये बात कर रहे थे जो टीम ऐसे निकलती है वो फिर पकड़ी नहीं जाती। यार आप देखो ये खा लें आप। मैं वो फिर बोला नहीं जाएगा, मैं खाता हूँ बोलने के बाद। यार देखो ये हम बार बार कहते थे कि जो टीम नीचे से आती ना, जिस जो अच्छा करके नहीं आ रही होती, फिर एक दिन ऐसा आता है कि जो आपका बैट पे तो समझ आता है कि आप थोड़ा लेके जाते हो, जैसे विराट करता है। और मेरा ख्याल है हमारी पता है कि मैं एंड पे चेस अप करूंगा, इतने भी मैचेस ओपनर नहीं आता कि मैं पहले 3 ओवर 4 ओवर देखूंगा तो फिर चेस करूंगा। ये ओपनर का रोल नहीं है मैच में, ये जरा बात समझने वाली वो न्यूजीलैंड था ना,
वर्ल्ड कप में भी आज अभी तक वो ये कर एक मैच में आप अच्छा खेले और आपने टीम देखो प्लानिंग बाहर कर अपनी अपनी टीम तो की ये डिपेंड करता है। देखें जब आप सूर्या को देख आप शुरू से देखें कि पहले बॉल से वो आके तेज खेलता है, नीचे पांड्या उसका एक गोल है कि उसने मतलब आप उनका बिल्कुल ही बाहर छक्के मारे ना प्लेट बॉल को उसको समझ नहीं आती अपना अपना रोल मैं सोच के रिव्यू ले लिया रिव्यू हूं कि नहीं मैरिट की बात मैरिट प्रेशर था उन पे कि यार ये तो सारा पाकिस्तान कह रहा है बल्कि सारी दुनिया कह रही है वो जाके आगे क्या करना है हमने जो हमारा नाम ले आगे जो हम कह रहे हैं वो होना नहीं है और हम कह रहे हैं कि ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है क्या यार हम कह रहे हैं कि ओपनिंग चेंज होनी चाहिए इतनी सी फरमाइश वर्ल्ड कप के बाद हो जाएगी वो तो फिर यार आप कर ही लोग उनको वो तो अगर अल्लाह ना करता अगर आज आप भी हो आज तो बहुत ही ज्यादा स्लो ना जी आज तो आप बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं बहुत सारी चीजें चेंज होनी चाहिए जब अल्लाह ने मौका दे दिया है तो आप टाइम नहीं अभी से प्लान करो और अपनी चीजों को तो आपको टाइम नहीं मिल रहा था कि यार आता जल्दी हर एक के लिए एक लॉ होना चाहिए ना कि अगर किसी के लिए दूसरा नहीं होना चाहिए अगर आपको नजर आ रहा है फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों अल्लाह करे मेलबर्न में भी ऐसा ही विकेट बन जाए नहीं मेलबर्न थोड़ा डिफरेंट होएगा वो आपको फिर थोड़ा उस पे बॉल यार ये तो हमारी दुआ मगर जिस तरह है। हम पूरा पाकिस्तान नहीं चेंज होगा कि नहीं अल्लाह करे क्योंकि पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है जरूरत क्यों रहेगी चेंज नहीं मैंने कहा यार पाकिस्तान ये मैंने इसीलिए इनसे सवाल किया ये बेटर आंसर है अल्लाह करे कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो मगर ये है कि जो एक चीज आज अच्छा कि आज आप देखेंगे हमारी आप सब आज प्लस मुझे नजर आया ना पाकिस्तान की फील्डिंग से बहुत लग रहा फिर भी आज देखें लग रहा था जीते या हर चीज देखें ये नहीं होना चाहिए कि आपने परफॉर्मेंस कर ली तो डरे नहीं देखो एक चीज नजर आ रही है बाबर कि आपको लोगों को पार भी जा चुका हुआ है कि मगर हमने उसको छोड़ा नहीं तो वो उसको अगर आप कंटिन्यू रखोगे आके भी खेले थे शायद आप पाकिस्तानी विकेटों पे कामयाब हो जाए थोड़ी देर आपके हक में जरूर मगर नहीं ये गलत है मेरा ख्याल आप पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है यार वो तो फिर अच्छा लोग बल्ले बल्ले करेंगे ट्विटर पे आप अगर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो तो फिर 92 में हुआ सोचना पड़ेगा 23 अभी बस आ ही गया नवंबर लगा हुआ है दिसंबर एक महीना रह गया 24 में फिर आपका टी20 वर्ल्ड कप साल ऐसे गुजरता है पता भी नहीं चलता और मेलबर्न में ही फाइनल हुआ हां ठीक है वर्ल्ड कप के बाद आपको अभी से ये चेंजेस करनी पड़ेगी ये देखें चीजें हमारी वीडियो में तो जा अगर पाकिस्तान इंडिया आए तो ज्यादा मजा ठीक था नहीं नो डाउट लेकिन बहरहाल मैं चाह रहा था पॉजिटिव बात टीम पाकिस्तान वो ओपनिंग जिससे भी खेल पे चले गए अगर लोग ट्विटर पे रील्स बना रहे हैं और क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये इन चीजों के आंसर है कि ये अगर हम चीजें करें तो शायद बेहतर हो सकती है हम लोग वेट कर रहे थे कि लोगों से बड़ा माजूर पाऊं मौका मिले क्या आपको मेरी बातें पसंद नहीं आई आपका ये होता है अवामी लीडर आपका उसके बाद हम आपका बांग्लादेश से जीते डिप्लोमेट आपका सेमीफाइनल अपना ओपिनियन है मेरा अपना ओपिनियन फर्क क्या था मैं आज भी अपने बॉलिंग हमारी स्लो हुई जब टूर्नामेंट हुआ है मैं अपने ओपिनियन के साथ बहुत अच्छा किया जहां तक रहेगी बात बाबर और रिजवान की देखिए आपने जो मैचेस जीते हम पहुंच गए हैं सेमीफाइनल मुझे नहीं लगता कि चेंज होगा सेमीफाइनल में तो नहीं ना होना चाहिए सेमीफाइनल में जाके ना होना चाहिए हारिस ने आपको इसी चीज को कंटिन्यूएशन में रखा मैं लगातार 3-30 कर गया आपने ये देखना कि अब जो आपसे पिछले 5 मैचों में जो आपसे एक्सपेक्टेशंस थी वो उनको बेहतर कैसे आप की तरफ भाई 5 मैच ही न्यूजीलैंड वाले भी सी इफ्तिखार की तरफ अच्छा चलो नौ कर लो शादाब ने जितना उधर से एशिया कप से आया था उसमें तो मुझे ये आपका क्या हुआ आज ये लगता है बाबर और रिजवान के ये करने से देखना हमारे पास कॉन्फिडेंस आया हम लोगों के जो नीचे प्लेयर्स हैं हर एक उन्होंने भी अब थोड़ा थोड़ा ख्वाहिश है हमारे दोस्तों के लिए खेलते हैं उस दिन भी हमने बात की थी उसके पास ही बैटिंग दोस्तों के लिए हम खेल रहे होते हैं जब हमने टाइगर चेस करना था हमारे सामने 200 है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी अप्रोच डिफरेंट डिफरेंट होती है जब हम हाथ सीधा कर लिए व्हाई नॉट टेक दैट टाइम मिल रहा था के हम उस तरीके से इंटेंट से क्यों शुरू करें उस कहते हैं जो हमारा उस 200 को अचीव करने के लिए हमारा प्रोसेस है उसको क्यों ना लेकर आएंगे ये एकदम सोचना चाहिए था ना विनिंग और लूजिंग मैं होता था तो हमारे पास चांस नहीं है थोड़ा आगे करना पड़ेगा बट नहीं रहे मगर हमारे डू एंड डाई So let's go for it. इस विकेट पे आप लोगों ने स्कोर किया ये होना चाहिए था कि हमने सामने हिट खानी अगर आपने फिर आप उस स्टंप के भी चांसेस होते हैं कॉट भी एंगल भी बैट्समैन यू बनाने जाता है
तस्लीम भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है, मैं बात करता हूं कि जिस तरीके से हम हारिस की लास्ट के मैचेस खेला हमारे लिए वो बहुत एक्सेप्शनल है, बिल्कुल इन सही है कि थोड़ा आगे फेंकते ना, उसने खुल के खेला, चांस तक इस कम भी हो सकता है, उसने जो दूसरी टीम पर प्रेशर करने की कोशिश की और किया भी। नॉर्मली इस पे वो चीज चाहिए, हम टाइम नहीं मिलता उसको कट मार, जितना यूटिलाइज कर सके पावर प्ले, देखे सिडनी में मैच जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ गिरता है ना, मैच तो आप जाते हैं तो वो बॉल उसका ना तेज आता है, अफगानिस्तान उनका जो नया बॉल करने वाले बॉलर है वो भी बहुत अच्छे अकॉर्डिंग कि आप लोगों ने अटैक पे जाना कैसे, अगर आप अगर हमारा स्टार्ट ऐसा हुआ तो सो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स के नए बॉल पे हम जितने रन कर ले, पावर प्ले को जितना यूटिलाइज कर ले, उसमें जितने रन कर सके, इंग्लैंड ने भी यही किया क्योंकि बाद में विकेट बहुत स्लो हो जाती है, आई डोंट नो उस दिन कंडीशन कैसे होंगी लेकिन ये नेचर है उस वक्त, सो लेट्स प्ले फॉर द बेस्ट, यू आर गाइस आर ट्राइंग, ये नहीं हम कह रहे कि आपने ट्राई नहीं किया लेकिन वो इंटेंट अभी तक हमारी बॉडी लैंग्वेज या वो आपका जो मेथड ऑफ प्लेइंग है वो अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मे बी आप रन नहीं कर जो आप करते थे जब आप देखते नीचे से आके यंगस्टर्स आके यंगस्टर्स समबडी लाइक हारिस आके उस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, you have to improve your cricket as well, like you have to put your game into another gear, itni duaye ho na to fir aise cheez jo hai aise team ko harna, hum log jahan tak pahunche aaj khule sahi tarike se bhai, aap aksar kehte hain ki wo apni national game khel rahe hain, fir wo national game ko gear kaise shift kare, to hame bhi zara khul ke limit hi yahi hai, aur agar aap yaar dekhiye yaar ye bada 800 cc hai wo dekhiye bade relax lag raha hai, 60 se upar nahi ja sakte yaar, limitation hai wo har player ki, kahin bhai ne bola shadab diving maar raha hai boundary se haris, अगर आपने किया ना हो चीज किया ना हो तब की बात है, जब आपने कुछ अचीव किया है तो ये व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेन एवरी टाइम व्हेन देयर इज अ टारगेट ऑफ ओवर 180 प्लस बॉडी लैंग्वेज और इंटेंसिटी डिफरेंट होता है, तो भाई देखिए डिफरेंट विकेट अगर आज वो भी आपकी पार्टी का, लेकिन सिडनी इज नॉट लाइक पाकिस्तानी विकेट और उस पे हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत अच्छे रन किए, मगर बात ये है कि अगर आप जो मोमेंटम मिला हुआ है ना वो भी T20 में जब जिस तरह टीम स्ट्रगल कर रही होती है और एकदम से वो टर्न अराउंड करती है ना, फिर वो लेके जाती है दूसरी टीमों को, और ऐसे ही और आप मेलबर्न जैसे सलीम भाई ने बोला है कि इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट विकेट, क्योंकि मेलबर्न में कभी हमने ऐसे देखा नहीं था कि स्विंग भी हो रहा है बाउंस भी हो रहा है, अगर तो थोड़ा सा जो नेचुरल एक मेलबर्न की हिस्ट्री है कि अच्छा बैटिंग पैराडाइज विकेट वैसा हुआ तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा, लेकिन अगर जिस तरह अभी इस वर्ल्ड कप में विकेट्स हैं फिर अगर इंग्लैंड इंडिया दोनों में से कोई भी आएगी वो उनको ज्यादा एडवांटेज होगा। अच्छा विकी भाई एक चीज़ और, जब टॉस हुआ उसके बाद विलियमसन से पूछा कि ये एक अच्छा बैटिंग विकेट है तो आप 200, तो उन्होंने इस पर कोई ये नहीं बोला कि हाँ मतलब वी एम फॉर इट या ऐसा कुछ, तो वो वहीं से बैकफुट पे थे, वो एक प्रेशर वाला मसला था, मतलब यूजुअली दे क्लेम, हमने पहले भी ये बात की थी अगर आप इंडिया और श्रीलंका का मैच निकाल रहे हैं जिधर श्रीलंका को भी 140 या 145 चेस करना था इंग्लैंड के, इंग्लैंड को करना था श्रीलंका के अगेंस्ट, तो दोनों ओपनर ने पहले पांच ओवर में पहले छः ओवर में 70 कर दिया था, कि उनको पता था कि बाद में बॉल टर्न होगा, ग्रिप करेगा, मुश्किल हो सकती है, उनके पास स्पिनर्स आउटस्टैंडिंग है, तो क्या था कि आज जब पाकिस्तान से उन्होंने पहले बैटिंग की, उन्होंने आई थिंक टू मच इनटू दैट माइंड, क्योंकि छः ओवर में आप देखें ना 38 रन, इसका मतलब यह है कि बाकी आपने 14 ओवरों में 112 रन बनाए, 113 रन बनाए, सो बात यह है कि उसको मद्देनजर रखते हुए फिर पाकिस्तान को दूसरा एडवांटेज ये था कि अंडर लाइट्स जैसा मर्जी बिगड़ो स्लो भी हो अंडर लाइट्स जब तक ने। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी कि पाकिस्तान को भारत मिले या इंग्लैंड, ऑब्वियसली मैं एक बात सच बताऊँ, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग चाह रहे होंगे कि भारत ना मिले, और ऐसा इंडिया में चाह रहे थे लोग कि पाकिस्तान ना मिले, क्योंकि दोनों टीम जब एक दूसरे के खिलाफ खेलती है प्रेशर होता है, आप माने ना माने, आपने पहला मैच देखा था इंडिया पाकिस्तान का, पाकिस्तानी प्लेयर कितने प्रेशर में थे स्टार्टिंग में, T20 में वो टेस्ट मैच खेल रहे थे, रिजवान या बाबर को देखें आप तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको नॉर्मल बॉल भी उनको ऐसा लग रहा था कि यार टच ही नहीं हो रहा, इतना प्रेशर, इतनी पब्लिक, इतना हाइप, तो ये सब फाइनल में जब होगा तो दोनों टीम एक दूसरे से मतलब मैच से पहले ही इतना ज़्यादा प्रेशर में रहेंगी, तो वो एक ऑड कंडीशन वैसे ही रहेगी, और साथ ही साथ भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो ऑब्वियसली एक रिलीजन का आता है, सोशल मीडिया पर ऐसे कुत्तों जैसे लड़ते हैं दोनों साइड के लोग, आपको भी पता है,
अब मैं बता रहा हूँ आपको यार, छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, छोटी छोटी, यहाँ का वहाँ वो, बस सब मतलब किसी को मैं दोस्त नहीं दूंगा, लड़ते हैं। तो एक ये बहुत गंदे तरीके का हेट फैलता है। लेकिन अब क्या कर सकते हो, पाकिस्तान तो पहुँच गया फाइनल, तो इंडिया को तो अब हम ये थोड़ी ना बोलेंगे इंग्लैंड से हार जाओ भाई, इंडिया को हराओ और पाकिस्तान को भी हराओ, तो ऐसा सीन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं 13 को होता क्या है। बट इंग्लैंड भी कोई आसान टीम नहीं है, न्यूजीलैंड के कंपैरिजन में इंग्लैंड बहुत टफ टीम है। अब माने ना माने, इंग्लैंड ने अभी पाकिस्तान को उनके घर में 7 मैच की सीरीज़ T20 की हरा के आई है, और 7 में से 6 तो इंग्लैंड जीत रही थी, हालांकि वो कुछ गलतियों की वजह से वो 6-1 से नहीं जीती। तो इस तरीके का इंग्लैंड का फॉर्म है। बट इंडिया की बैटिंग और इंग्लैंड की, मैं सॉरी गलत बोल गया, इंग्लैंड की बैटिंग और इंडिया की बैटिंग दोनों स्ट्रॉन्ग है। इंग्लैंड की बॉलिंग भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है, भारत की भी बॉलिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है। और मार्क बोर्ड अगर कल नहीं खेल रहे हैं, जैसा कि लग रहा है जॉर्डन उनको रिप्लेस कर सकते हैं, तो फिर तो इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत वीक हो जाएगी। मार्क बोर्ड एक अलग इम्पैक्ट है उनका, आप माने ना माने 150 प्लस की बॉल, 156 है उनकी सबसे तेज बॉलर्स वर्ल्ड कप में, फेंकेंगे ना तो सूर्या को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 150 वाले एक तो बॉलर है नहीं, और ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी आप माने ना माने। तो मार्क बोर्ड नहीं खेलते तो एक एडवांटेज इंडिया के लिए है। और आप क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल तो आप डेफिनेटली अब देखना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया को तो आप हरवाना नहीं चाहेंगे। इंडिया पाकिस्तान 13 को होगा या नहीं होगा, कमेंट में भी राय जरूर दें। और अगर होता है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये कमेंट भी कर रहे हैं कि आज का मैच फिक्स था, न्यूजीलैंड जानबूझकर हारी, जानबूझकर हरवाया गया, ये क्रिकेट नहीं, ये WWE हो रहा है, सब स्क्रिप्टेड हो रहा है, जानबूझकर ऐसी पिच बनाई गई जिससे पाकिस्तान को फेवर हो, इस तरीके की बात हो रही है। मैंने कहा यार ये कैसा सीन है यार, मान लो इंडिया पहुंच गई तो फिर और सीन, ये सब मार्केटिंग, ये वो, जिससे पैसा आए, इंडिया पाकिस्तान के मैच हो, ज़्यादा व्यूअरशिप हो, ज़्यादा पैसा, इस तरीके की बात कर रहे लोग। ऐसा मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा, और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली फिर तो ये करोड़ों लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि WWE, आप जब बच्चे थे आपको पता था, आप बहुत एंजॉय करते थे ये सब, सच में लड़ रहे हैं। बट अब जब उन वीडियो को आप देखते हैं तो पता चलता है कि यार ये तो पूरा स्क्रिप्टेड है, एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है, तो फिर आपको बड़ा बुरा लगता है। हालांकि मैं बहुत बकवास बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं अंदर से ही बकवास बात कर रहा हूँ, क्रिकेट में शायद ऐसा नहीं होता है, स्क्रिप्टेड ये सब इम्पॉर्टेंट।